नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल कार शो कार सेशन में। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने है वाले हैं वेगनर 2023 मॉडल में 9 इंची एंट्री प्लेयर लगाने का पूरा इंस्टॉलेशन, किस तरह से पुराना प्लेयर इसमें कंपनी फिटेड आता है, ये प्लेयर इसमें कंपनी से लगाया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम इसमें ये प्लेयर लगाने वाले हैं, तो इसकी पूरी फिटिंग किस तरह से की जाती है वो आपको बताएंगे। ये प्लेयर हम इसमें लगाने वाले हैं। सो ये 9 इंची की स्क्रीन है, टच क्वालिटी एकदम इसकी स्मूथ आती है, वीडियो क्वालिटी फुल HD आपको देखने को मिलेगी, 2GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ ये आपको मिलता है। इंस्टॉलेशन करने के लिए हम कोई भी गाड़ी का वायर काटते नहीं है, कपलर टू कपलर इसे फिटिंग करते हैं। साथ में आपको दिखाएंगे रिवर्स पार्किंग गियर हम कहाँ लगा रहे हैं, और फुल ऑफ इंस्टॉलेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो गाड़ी मारुति सुजुकी न्यू वेगनर 2023 मॉडल, जिसमें हम लगाने वाले हैं 9 इंची एंड्रॉइड प्लेयर। सो सबसे पहले आपको कंपनी फिटेड प्लेयर दिखाते हैं, ये प्लेयर इसमें कंपनी से लगा हुआ है। अब इसको निकालने के लिए इजीली स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस फ्रेम को आप निकाल सकते हैं, हाथ से भी डायरेक्ट इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद आपको ये दो जो स्क्रू दिख रहे हैं, इन स्क्रू को खोलना पड़ता है। कपलर टू कपलर वायरिंग भी आपको करके दिखाएंगे किस तरह से कपलर टू कपलर वायरिंग होती है। सो इजीली हमने ये दो स्क्रू खोल दी हैं। इसके बाद इस प्लेयर को यहाँ से बड़ी सावधानी से उठा लिया जाएगा, और इसके पीछे कुछ सॉकेट होते हैं कपलर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ब्लू वाला कपलर होता है, यही मेन कपलर होता है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और इसके अलावा एक कपलर और होता है एंटीने का, उन दोनों कपलर को रिमूव करके ये देखिए, ये मेन कपलर है और ये एंटीने का कपलर है। ये दोनों कपलर निकालने के बाद प्लेयर रिमूव हो जाता है, और नया प्लेयर इसमें लगाने का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। ये USB केबल है जो हमने यहाँ लगा दी है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ आएगा। इसके अलावा हमने प्लेयर रेडी कर लिया है, 9 इंची एंड्रॉइड वेगनर के फ्रेम में कंप्लीट फिट कर दिया है, ये लगने को रेडी है। ये ओल्ड फ्रेम है इसका, जो पहले इस तरह से लगा था, 7 इंची का स्टीरियो लगाने के लिए इस फ्रेम का यूज़ किया जाता है। इसको निकाल के हम 9 इंची का फ्रेम लगा रहे हैं, ये वाला बिल्कुल 00 फिनिशिंग आएगी, कंपनी फिनिश फिट जैसा लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो रिवर्स कैमरे की वायरिंग को लगाने का प्रोसेस हम चालू कर रहे हैं, यहाँ से हम वायरिंग डाल रहे हैं। देखिए ये रिवर्स कैमरे की RC केबल है, यहाँ पे हमारी रिवर्स कैमरे की केबल यहाँ से होती हुई बिल्कुल बैक साइड से पीछे की तरफ जाएगी, और पीछे रिवर्स कैमरा कहाँ लगाएंगे ये भी आपको आगे दिखाएंगे इस वीडियो में। तो इस तरह से हम इस केबल को लेते हैं इनसाइड करके अच्छी तरह से, ताकि कोई भी वायर दिखे नहीं, ज़रा भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई वायर पीछे तक गया है। नीचे की साइड से हम वायर नहीं डालते, क्योंकि डैमेज रहने का उसमें रिस्क रहता है, वायर डैमेज हो सकता है, इसलिए सारी वायरिंग हम ऊपर से ही निकाल देते हैं। तो ये सॉकेट है मेन, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक वाला, ये जाएगा प्लेयर के अंदर जाता है, ये वाला पार्ट देखिए प्लेयर में जाएगा। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये गाड़ी के अंदर लगाएंगे, जो हमने आपको सॉकेट दिखाया था गाड़ी का कपलर, तो ये इस तरह से लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने इस कपलर को लगा दिया है। दूसरा कपलर एंटीने का है, ये दोनों कपलर हमने निकाले थे ओरिजिनल प्लेयर से, और एंड्रॉइड के कपलर हमने ये देखिए गाड़ी में लगा दिए हैं। सो दोस्तों अब बारी आती है एक एक करके सारे कपलर प्लेयर के अंदर लगाने की, तो आपको दिखाते हैं कौन सा कपलर। ये रिवर्स कैमरे के वायर हमने लगा दिए, USB के वायर लगा दिए, ये ब्लैक वाला जो वायर है जिसका दूसरा पार्ट ब्लू है, ये मेन वायर होता है, ये भी हमने लगा दिया है। GPS की केबल लगा दी है, एम्पलीफायर ऊपर इसमें है नहीं, ये देखिए ये GPS की है जो लग रही है। कंप्लीट सारी वायरिंग जो है बिना किसी वायर को काटे कपलर टू कपलर प्लेयर के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो चलिए एक बार बताते हैं आपको कौन सा कपलर किस काम आता है। ये मेन कपलर है, इसमें सारे स्पीकर की वायरिंग और पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। इसका दूसरा पार्ट गाड़ी के अंदर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला जो है बूफर का माइक का होता है, ये USB केबल है, और ये आपका कैमरे का कपलर है, ये माइक और आपका GPS। कंप्लीट सारी वायरिंग यहाँ पे हो चुकी है, दूसरा कोई वायर नहीं होगा। नॉर्मली प्लेयर को इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल हल्के से पुश कर देना है, लॉक प्रॉपर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रेम जो है वेगनर न्यू मॉडल का है, जो 2019 से लेके 2023 तक यही वेगनर आई हुई है। बिल्कुल फिनिशिंग आप देख सकते हैं, 00 फिनिशिंग, कहीं से कोई गैप आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा।
सो हमने आपको दिखाया कपलर टू कपलर वायरिंग, ओरिजिनल प्लेयर को खोल के एंड्रॉयड लगाने का तरीका। चाबी ऑन करते हैं और दिखाते हैं प्लेयर की फिनिशिंग किस तरह से आती है। जैसे ही की हम ऑन करते हैं प्लेयर डायरेक्ट चालू हो जाता है। ये देखिए इसमें ऐप का जो लोगो है वहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से जा सकते हैं। लेफ्ट स्लाइड राइट साइड एकदम स्मूथ इसकी डिस्प्ले है। वीडियो क्वालिटी आपको दिखाएंगे, फुल HD वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेगा। वाइड एंगल कैमरा रिवर्स हमने इसमें लगाया है, आपको रिवर्स कैमरा भी दिखाएंगे। वीडियो क्वालिटी आप इसमें देख सकते हैं। सो TS7 की थीम्स हमने चेंज की है, फिनिशिंग आपको पास से दिखाएंगे। ये थीम्स हमने जो लगाई है काफ़ी पुरानी एंड्रॉयड की थीम्स है। इसको लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये जो कार दिख रही है और यहाँ की जो लाइटें हैं, यहाँ से आप रात को लाइट का पहला पॉइंट खोलोगे तो यहाँ गाड़ी में लाइटें आ जाती हैं और साइड बटनों में लाइट आएगी। देखिए ये जो गाड़ी है, और इसी के साथ DSP प्रोसेसर का आपको बताते हैं, लेफ्ट राइट बैक साइड फ्रंट साइड चारों स्पीकर की कोई भी सेटिंग आप कर सकते हो। DSP प्रोसेसर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। टच क्वालिटी एकदम स्मूथ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप टेस्टिंग सॉन्ग भी है वो भी बजा के चेक कर सकते हैं साउंड किस तरह से आ रहा है। DSP की सेटिंग इस तरह से होती है, ये देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो बैक साइड का एक डोर का ही स्पीकर बचेगा, क्योंकि हम पीछे स्पीकर लगाने जा रहे हैं इसलिए हमने सेटिंग यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि हम अब इसमें बैक साइड में स्पीकर लगा रहे हैं। क्योंकि बैगना न्यू मॉडल में ओनली फ्रंट साइड में दो स्पीकर आते हैं, तो यहाँ पे एक स्पीकर का वायर जो है वो डाला गया है डोर के अंदर डोर खोलने के बाद, और 6 इंच का बॉसनिक का स्पीकर हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सो ये 3-way स्पीकर है, बेस ट्रेवल ट्विटर सब इसमें आ जाता है। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर इसके साइज का आता है, 4 स्क्रू लगा के इसको लगा दिया जाता है। न्यू वैगनर में अगर आप कंपनी फिटेड सिस्टम ले रहे हो तो फ्रंट साइड के डोर में दोनों में स्पीकर लगे हुए आते हैं, लेकिन बैक साइड में कंपनी स्पीकर नहीं दे रही है, तो आप बैक साइड के स्पीकर जो आपको पसंद हो वो लगवा सकते हो। एक बार फिर से आपको वीडियो क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए आप रिवर्स गियर का आपको दिखाएंगे, रिवर्स कैमरे का लुक, जैसे ही रिवर्स देते हैं बैक साइड के कैमरे का फुल HD वाइड एंगल 170 डिग्री वाइड एंगल लुक आपको देखने को मिलेगा रिवर्स कैमरे में। ये नाइट विजन कैमरा है, फुल HD है, काफ़ी सारा एंगल जो है बैक साइड का ये कवर कर लेता है। नोसे ही गियर बैक गियर निकालते हैं, प्लेयर अपने नॉर्मल मोड पर आ जाता है, वीडियो जो सॉन्ग चल रहा था वो वापस प्ले हो जाता है। सो दोस्तों इस गाड़ी में हमने एंड्रॉयड प्लेयर कैमरा स्पीकर्स लगाए हुए हैं। आपको दिखाते हैं बैक साइड का कैमरा हमने कहां पर इंस्टॉल किया है। बैक साइड का कैमरा हमने ड्रिलिंग करके बैक साइड के बम्पर के सेंटर में इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये वैगनर है, ये हमारी शॉप है कार सुपर एक्सेसरीज, और यहाँ ये कैमरा हमने लगाया हुआ है सेंटर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कार सो एक्सेसरीज वडोदरा।